प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 16 वचन। जब पौलुस अतेने में उनकी भाट जो रहा था, तो नगर की मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। आत्मा में भर के उसके जी में धून आ गया। उस शहर को देखते ही उसकी आत्मा में एक धून आ गया। पौलुस इस शहर के घूमने को देखने के लिए नहीं आया, वहां इसलिए आया, आत्माओं को जीतने के लिए वहां आया। उस शहर की इमारतों को देखे, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको तारीफ करने के लिए नहीं, या वहां के लोहों की पढ़ाई को देखे, उसको तारीफ करने के लिए नहीं, उस शहर को घूमने के लिए नहीं, वहां का संस्कृति इतनी बड़ी है उसको देखने के लिए नहीं आया। उनके बीच में आत्माओं को जीतने के लिए वो पवित्र पौलुस वहां आया, क्योंकि शैतान का सिंहासन वहां था। पौलुस आत्मा में इतना धुन में क्यों भरा है? वो सारे प्रकार के दुष्ट क्रिया उस शहर में था, मनोरंजन के लिए सारे व्यवस्था था, और साथे साथ वहां के लोग परमेश्वर से दूर थे, झूठे सिद्धांत और झूठे धर्मशालाएं थे, और उस शहर की पढ़ाई, उस शहर की साहित्य, सारी बातों के देखे इनको आत्मा में एक धुन आ गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कारण यह है, पौलुस के अंदर मसीह का विचार था। मसीह का विचार क्या है? लूका 2:49, क्या तू नहीं जानता मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। मसीह का विचार का मतलब क्या है? पिता की इच्छा को पूरा करना। यही विचार पौलुस के अंदर था, यही विचार हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमें तरक्की तो करना, लेकिन उससे बढ़कर हमारे चारों तरफ को देखिए कितनी प्रकार का धुन से भरा हुआ है। धर्म के बारे में धुन, भाषा के बारे में धुन, अपने कुल के बारे में धुन, हमारे अंदर इस प्रकार की बहुत धुन है। मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, चाहे मर भी जाऊंगा तो उसका द्वार पर नहीं जाऊंगा। क्या ऐसे धुन दिखाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया? मैं और आप उस राजा के सैनिकों में काम आना है, मैं और आप समाज में प्रभु के लिए काम करना है। हमारा जीवन, हमारा पढ़ाई, हमारा धन दौलत किसी न किसी तरह से परमेश्वर के लिए काम आना है। इसलिए नौजवान बच्चे, इस प्रकार हमें धूम दिखाना है। आज हमें यह निर्णय करना है, परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, ऐसे धूम में रखना है, तो परमेश्वर में कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया।